alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hope you are doing well by the grace of Almighty Allah. So today jo hamara topic hai wo main aaj aapko teen words ke bare mein batana chahta hu ki ye teen words kya represent karte hain. As you are watching on the board that yahan pe do words hai aise jo dead body aur corpus hai. It's dead body and corpus. Dead body ya corpus hum ek yani ek hi insaan ke liye use karte hain ya hum kahenge dead body ke liye use karte hain. ये जो डेड बॉडी है ये भी हम जब कोई इंसान मरता है तो उसके लिए हम यूज करते हैं, और ये जो कॉर्पस है कॉर्पस भी हम इंसान की डेड बॉडी के लिए इस्तेमाल करते हैं. लेकिन ये जो कॉर्पस है इसको हम ज्यादा यूज नहीं करते हैं, तो अब हम जो ज्यादा वर्ड यूज करते हैं वो करते हैं डेड बॉडी. तो डेड बॉडी और कॉर्पस जो है वो इंसान की डेड बॉडी को हम कहते हैं. जब इंसान मर जाता है उसके बाद हम कहते हैं सपोज आई सॉ अ डेड बॉडी, आई सॉ अ कॉर्पस. लेकिन ये जो कार्कस है, कार्कस, इट्स प्रोनाउंसिएशन इज कार्कस. कार्कस इज अ वर्ड जो हम इस्तेमाल करते हैं किसी एनिमल की डेड बॉडी के लिए या किसी जानवर की डेड बॉडी के लिए. जब हम उसकी डेड बॉडी देखते हैं तो हम उसको कहते हैं कि आई सॉ अ कार्कस. थैंक यू.